वेलकम बैक टू अवर चैनल एस बी आर्ट स्टूडियो। माय नेम इज सौरभ बिस्ट और आज बनाने जा रहे हैं हम अक्षय कुमार को एज ईश्वर सिंह फ्रॉम केसरी मूवी। लेट्स मेक इट। तो आज बनाने जा रहे हैं हम हवलदार ईश्वर सिंह को, जिनका किरदार अक्षय कुमार ने केसरी मूवी में निभाया है। जो एक केसरी मूवी थी, इसकी खास बात यह थी कि इसमें 21 सिख सोल्जर्स ने 10,000 अफगानियों को हराया था, तो एक बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए आज का जो स्केच चुना था मैंने, अक्षय कुमार का केसरी मूवी से चुना है। इनके लिए कुछ पंक्तियाँ भी मेरे ध्यान में आ रही हैं, तो मैं उसे स्टार्ट करता हूँ। तो ये हैं पंक्तियाँ कुछ इस तरीके से। चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गीदड़ा को मैं शेर बना, गीदड़ा को मैं शेर बनावा, 1,25,000 से एक लड़ावा, द गोविंद सिंह नाम का। तो आप समझ सकते हैं इन लाइनों का कितना गहरा मतलब रहा होगा उन 21 सिख सोल्जर्स के लिए, जिन्होंने 10,000 अफगानियों से बिना डरे लड़ाई की थी। तो अब स्केच की ओर आते हैं। जैसे ही आप स्केच बनाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हल्के हाथों से स्केच बनाना स्टार्ट कीजिए। तो आज जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं एक मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ 0.5 mm। और इस मैकेनिकल पेंसिल की खास बात ये है कि आप काफ़ी डिटेल वाला काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अभी तक जहाँ कि आपने देखा होगा कि अभी तक मेरी जितनी भी वीडियोस थी, उनमें मैंने एक सिंपल पेंसिल का यूज़ किया था, नटराज पेंसिल। तो आज मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट करता हूँ, इसलिए मैंने मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया है आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो ये मैकेनिकल पेंसिल है, इससे डिटेल वाला काम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो शेडिंग के लिए मैं सिंपल पेंसिल का ही यूज़ करता हूँ पहले, और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा 8B पेंसिल। तो पहली बार यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी 8B पेंसिल अपने आज तक की स्केचेस में। सो अभी मुझे पता नहीं है कि कितना अच्छा इफ़ेक्ट आता है उनसे स्केच में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं जिससे कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और ये वीडियो है हमारी, वो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। अगर आपको स्केच की आउटलाइन बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो इस पर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो ला सकता हूँ फ्यूचर में, अगर आप चाहें तो। आप ये भी मुझे बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना पसंद करेंगे, किस चीज़ का स्केच देखना चाहेंगे आप, कमेंट करके बताइए। इस स्केच में मैंने ट्राई किया है कि जितनी ज़्यादा डिटेल हो सके मैं इस स्केच में डाल सकूं, क्योंकि ये जो इमेज है वो उतनी HD क्वालिटी की नहीं है, क्योंकि जब मैं जूम करके देख रहा हूँ तो इसमें ब्लर सा दिखाई दे रहा है। तो मेरी जो सजेशन होगा वो ये होगा कि जब भी आप किसी स्केच को ड्रॉ कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि जो इमेज हो वो काफ़ी HD क्वालिटी की हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा आपकी इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी, उतना ज़्यादा रियलिज्म आप अपने पोर्ट्रेट या स्केच में ला सकेंगे। अगर आप अभी स्केच बनाने स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि जो इमेज की क्वालिटी हो वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि जो आप पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं वो बिल्कुल अच्छा बने और रियलिस्टिक बने। स्टार्टिंग में आपको स्केच बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक पेंसिल और एक रेज़र की आवश्यकता है। तो आप मेरी और वीडियोस में देख सकते हैं कि किस प्रकार मैंने सिर्फ एक पेंसिल की मदद से स्केच बनाया है। स्केच बनाने में एक चीज़ ध्यान रखने योग्य ये है कि जब भी आप डार्कर वैल्यू से लाइटर वैल्यू की तरफ जाएं, उनके बीच में जो ट्रांजिशन हो बिल्कुल ही स्मूथ होना चाहिए, इससे जो आपका स्केच होगा वो बहुत ही रियलिस्टिक सा लगेगा।
जैसा कि आप इस स्केच में देख रहे होंगे कि अभी मैं डार्कर वैल्यूज़ के लिए 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और लाइटर वैल्यू के लिए मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद ये ब्लेंडर के लिए मैं पेपर ब्लेंडर में जो कि खुद बनाया है उसका यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी। तो अभी तक के जितने भी स्केचेस मैंने बना रखे हैं वो सारे मैंने फ़ोन से ड्रॉ करे। फ़ोन से ड्रॉ करने का एक फ़ायदा ये है कि आप जूम करके बारीक से बारीक डिटेल देख सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन ये है कि जो आपकी इमेज होनी चाहिए वो बिल्कुल ही HD क्वालिटी की होनी चाहिए, जिससे कि आपको सारी वैल्यूज़ आसानी से दिख सकें। जो हमारा स्केच है वो पूरा बन के तैयार हो चुका है। और लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा गाइस कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हिट द बेल आइकॉन, जिससे कि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज द फाइनल स्केच यू कैन सी।